मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के साकीनाका रेप केस में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। मुंबई के सेशन कोर्ट ने साकीनाका रेप के आरोपी को सजा सुनाई है। पिछले साल 10 सितंबर को आरोपी मोहन चौहान ने पीड़िता के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। 30 वर्षीय महिला के साथ टेम्पो में इसने बलात्कार किया, उसके बाद फिर महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी थी। अस्पताल में इलाज के दौरान इस महिला की मौत हो गई थी। एक दिन पहले ही साकीनाका रेप और हत्या के मामले में अभियोजन पक्ष ने 45 साल के दोषी के लिए मौत की सजा देने का अनुरोध किया था। आरोपी मोहन चौहान को 30 मई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश HC शेंडे द्वारा बलात्कार और हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता महेश मूले ने बुधवार को अदालत में दलील दी थी कि ये एक महिला और वह भी अनुसूचित जाति की महिला के खिलाफ अपराध है, जो इसे और भी गंभीर बनाता है। उन्होंने कहा कि यह रात के समय एक आशा है अकेली महिला पर भीषण हमला है, जिससे मुंबई जैसे महानगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर पैदा किया है। बहरहाल अदालत ने आरोपी मोहन चौहान को फांसी की सज़ा अब सुना दी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।